हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सबका अपने चैनल राइजिंग क्रिएटिविटी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY शेयर करने जा रही हूँ, जो टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ बॉटल्स थी जो कफ सिरप की बॉटल्स थी। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में इन्हीं बॉटल्स का यूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने POP और वाटर का मिक्सचर बनाया और इनको बॉटल में हाफ हाफ फिल कर दिया। इसको फिल मैंने इसलिए किया कि बॉटल्स का बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और बॉटल अच्छे से स्टैंड हो सके। सब में POP का मिक्सचर फिल करने के बाद मैंने फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर बनाया और फेविकॉल के उस मिक्सचर को मैंने बॉटल पे लगाकर टिश्यू पेपर पेस्ट किया। टिश्यू पेपर पेस्ट करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम जो भी उस पे वर्क करेंगे उस पे टिश्यू पेपर पे वो वर्क अच्छे से स्टिक हो पाएगा। और सब बॉटल पे टिश्यू पेपर अच्छे से कवर करने के बाद उन्हें 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और उसी प्रकार हम बॉल्स लेंगे और बॉल्स पर भी फेविकॉल और वाटर के मिक्सचर से टिश्यू पेपर स्टिक कर देंगे और इनको भी उन्हीं के साथ सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप यहाँ पर पेपर बॉल्स भी बना सकते हैं और उस पर भी फेविकॉल और वाटर की हेल्प से टिश्यू पेपर स्टिक करके सूखने के लिए छोड़ दें। अब हमारी बॉल सूख कर तैयार है। अब हम इन बॉल्स को बॉटल्स के टॉप पर स्टिक करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन बस जल्दी से स्टिक हो जाती है और फेविकॉल में थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर सारी बॉल्स बॉटल पर स्टिक हो चुकी हैं। अब हम आगे काम करते हैं। मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये क्ले मैंने घर में ही बनाई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जो क्ले हम यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं उसको आप एयर टाइट बैग में लॉक करके रख दें, जिससे कि वो ड्राई ना हो। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है क्ले को स्किन कलर में बदलने के लिए। पर आप इन दोनों को अच्छे से मैश करिएगा। अब मैश करने के बाद हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको अच्छे से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से बेलेंगे। आपको ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत पतला। अब बेलने के बाद हम इस क्ले को बॉटल के टॉप पे लगाएंगे, जो कि बॉल वाला पार्ट है। इसको अच्छे से क्ले को यहाँ पर सेट करेंगे और फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर पानी भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है वहाँ पर। अब सभी बॉटल्स पे हम ऐसे ही क्ले को कवर कर देंगे। दोबारा से हम क्ले लेंगे और इस बार हम इसे वाइट ही रहने देंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्ले थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप यहाँ पर बेबी ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइज़र का थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इस क्ले को बेलने के बाद हम पहले बॉटल की बॉडी पे वाइट ग्लू और वाटर का पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि जो हम क्ले अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से स्टिक हो सके। और उसको अच्छे से हम प्रेस कर उसको उस बॉडी पर अच्छे से लगा देंगे। देखिए मैंने कितने अच्छे से स्टिक किया है। ऐसे ही हम सभी बॉटल्स पर करेंगे और 24 घंटे के लिए इन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए ये सूखने के बाद कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट विल स्टार्ट, द डेकोरेशन पार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉल्स के हेयर्स बनाऊंगी। यहाँ पर मैं डॉल की चोटी बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने जितनी बड़ी मुझे चोटी चाहिए उतनी बड़ी मैंने लेंथ ले ली।
यहाँ पर मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है हेयर्स को स्टिक करने के लिए। आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं पेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से चिपकाना चाहते हैं चिपका लीजिए। एक डॉल की हेयर्स मैंने ओपन ही रखे हैं। अब यहाँ पर मैं हेयर्स के लिए कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कॉटन की स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाकर उसको फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट करूँगी। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पुरानी डॉल की हैट रखी थी, मैंने यहाँ पर उसका यूज़ किया है। अब एक डॉल पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके, मतलब मैं यहाँ पर कलर से, ब्लैक कलर से हेयर बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने जूट क्लॉथ का यूज़ किया है इसका टॉप पोर्शन बनाने के लिए। अब हम डॉल्स की आईज एंड स्माइल बनाएंगे। मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ली थी, अब हम कलर अप्लाई करेंगे। सभी डॉल्स की आईज सेम है, बस एक डॉल की थोड़ी डिफरेंट बनानी है। अब हम बनाएंगे डॉल्स की स्माइल। Now we will use blusher. यहाँ पर मैंने dolls के cheeks को pink करने के लिए blusher का use किया है। अब बनाएंगे हम doll की dress. यहाँ पर मैंने jute cloth का use किया है dolls के wings बनाने के लिए। आप doll की length के according wings को draw करके उनको cut कर लीजिए। यहाँ पर मैंने विंग्स को फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लिया। अब हम डॉल की कुछ पर्ल से ज्वेलरी बनाएंगे। इस डॉल की ड्रेस मैंने फैब्रिक कलर से पेंट करके बनाई है। यहाँ पर हम लाइट ग्रे कलर का यूज़ कर रहे हैं डॉल की ड्रेस बनाने के लिए। इस डॉल की ड्रेस भी मैंने फैब्रिक कलर का यूज़ करके ही बनाई है। यहाँ पर हम फेविकॉल की हेल्प से इस पर जूट थ्रेड को पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जब हम जूट थ्रेड को पेस्ट कर रहे हैं तब जो हमने चोटी बनाई है उसको थोड़ा ध्यान रखना कि साथ में वो भी ना पेस्ट हो जाए। हम यहाँ पर फेविकॉल लगाकर चोटी को भी स्टिक कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर
कलरफुल बीड्स को एज अ हेयर एसेसरी यूज़ किया है। डॉल पर मैंने यहाँ पर मंडाला आर्ट किया है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक शादी का कार्ड रखा हुआ था जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इस डॉल के विंग्स बनाए हैं। फ्रंट पर मैंने यहाँ पर दो पर्ल्स लगा दिए हैं। मेरे पास एक पुरानी लेस पड़ी हुई थी जिसको मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं फैब्रिक कलर की हेल्प से मंडाला आर्ट करके इस डॉल को डेकोरेट करूँगी। फ्रेंड्स, हमारी सारी ही डॉल्स देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। फ्रेंड्स, इन डॉल्स को पैक डॉल्स बोला जाता है जो कि वुड पर बनी होती हैं, और हमने आज यहाँ पर इनको प्लास्टिक बॉटल्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करके बनाया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।